इधर आओ होटल यार। अपनी गाड़ी पूरी बराबर लग चुकी है, गाड़ी पर थोड़ी सी गलती होती है फिर जान गंवानी पड़ती है। तो भाई सर एक बार ये लोड चेक करो कितना बड़ा है यार। हे गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यार फाइनली यार अपनी गाड़ी, यार ये सेकंड ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग यार आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको तो मिल जाएगा जाके देख। और यार ये एक बार ट्रक चेक करो यार, अच्छा लगे ये ट्रक तो लाइक करो और ऐसी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करो, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। गाइस यार अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और ये टायर एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई टायर बेकार तो नहीं है, और मतलब इसमें क्या होता है गिट्टक उट्टक या कील वगैरह लगती हैं तो वही चेक करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो ये गिट्टक लगी है, बस इसी को निकालना है और निकालने के बाद फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। तो गाइस यार ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरा देखो, उसके बाद अच्छा लगे तो यार लाइक करो क्योंकि ऐसी वीडियो मैं यार डालता रहता हूँ। तो यार फाइनली टायर और सब सही है और टायर भी हमारा ठंडा हो चुका है, फिर निकलते हैं आगे और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ब्लॉग में यार लास्ट तक बने रहना, और आपको अभी इस टाइम में पहाड़ी में हूँ मनमार, तो अभी जा रहे हैं पूना, तो चलते हैं फिर पूना और आपको दिखाते हैं पूरा पहाड़ी इलाका, यानी अच्छा सा यानी अप डाउन रास्ता आता है घाट ढाक घाट सेक्शन। तो चलो गाइस फाइनली घुसते हैं गाड़ी में और अपना सीट बेल्ट लगाते हैं, निकलते हैं सीधा पूना। तो अभी देखते हैं पूना आज पहुँच पाएंगे या नहीं, ये भी नहीं पता है क्योंकि अभी रास्ता भी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा रास्ता है और कैसा नहीं। यार कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। तो गाइस यार एक बार ये सीन्स देखो कितना शानदार है यार, सीन देखो बस सीन देखो आज। यार देख रहे हो सीन्स कैसे हैं, यार इन पहाड़ियों में ना आने के बाद अलग ही अंदाज होता है और मज़ा सा ही आ जाता है। बस ऐसा मन करता है बस इन पहाड़ियों में रुका रहूं। तो गाइस यार देख सकते हो छोटी घाट प्रारंभ, अच्छा छोटी घाट ये है यार, ये घाट है तो घाट तो ऐसे मुझे पता ही था घाट है, पर नाम है छोटी घाट। चलो फिर छोटी घाट को पार करते हैं, यार बड़ी बड़ी घाट पार कर चुके हैं तो ये छोटी घाट किस बात की है। देख सकते हो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये
मैं बहुत देखा हूँ यार, थोड़ी सी गलती होती है फिर जान गंवानी पड़ती है, तो क्या करूँ यार। बस इसीलिए बोलता हूँ हमेशा घाट वगैरह और ऐसा कुछ हो ना रास्तों पे, या घाट हो या रास्ते पे ही चल रहे हो, घाट पे सावधानियाँ बरतो और नींद आ रही है सीधा रोड पे यार, सो जाओ एक दो घंटे सो जाओ, आराम कर लो, पर यार जिद ना करो कि यार मुझे पहुँचना है तो पहुँचना है, क्योंकि यार जिद बहुत बेकार चीज़ होती है। थोड़ी सी गलती होती है ना फिर वही यार लेने के देने पड़ते हैं। तो चलो गाइस फाइनली निकलते हैं हम भी आगे। तो गाइस यार जैसा कि आपको सामने ये पहाड़ी दिख रही है ये वाली, यार अभी देखना इस पहाड़ी के हमें उस पार जाना है, उस पार से फिर दिखाऊंगा आपको पहाड़ी। यार फिर से एक बार देख लो ये पहाड़ी जो है सामने दिख रही है ना, अब इस पहाड़ी के उस पार जाएंगे हम। पहले के लोग बताते कि इस पहाड़ी पे किला हुआ करता था राजाओं का, पर अभी शायद टूट गया है क्या पता नहीं, पर वो जो दिख रहा है ना वहाँ कोने पे, वहाँ पे किला होता था पहले, और दीवार भी मुझे दिख भी रही है, यानी पहाड़ों पे दीवार सी बनी रहती है वो मुझे दिख रही है। आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा तो पतला पतला देख सकते होंगे। तो अभी इस पहाड़ी के उस पार जाएंगे तो दिखाएंगे गाइस। अभी ऐसे ऐसे ना लंबा पूरा घूम के जाना पड़ेगा उस पार, और ऐसे ही पहाड़ उधर भी हैं, और मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ठंडा क्या वही धूप कभी छाँव वही हुआ है, तो थोड़ा छाँव हुआ है ना तो अच्छा लग रहा है, पर अभी धूप जा रही है ना यार बुरा हाल। तो मेरे हिसाब से मुंबई साइड में बारिश हो रही होगी, क्योंकि देख सकते हो उस साइड में थोड़ा मौसम अजीब है। अब अभी पहाड़ी के ऊपर देखो, पहाड़ी के ऊपर बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे देखो दीवार आपको दिख रही होगी, और जहाँ पे वहीं पे धूप भी है, और इधर देखो छांव है यार, जूम भी हो रहा है तो हिल रहा है। यार थोड़ा जाम है देख सकते हो, ब्रेकर आ गया इसके लिए, थोड़ा गाड़ियाँ सब स्लो हो गई। पहाड़ी देखो और पहाड़ी देखो, उसके बाद पहाड़ी के बाद उस पार चलते हैं। यार अभी हम मनमाड़ में हैं, अभी इसके बाद ओला आएगा, सिलरी आएगी, तो फिलहाल मनमाड़ में माड़ पी रहे हैं। सिलरी के लिए बोर्ड मारा सीधा, तो गाइस चलते हैं सीधा। बार मैं इस टाइम आ चुका हूँ यार, गाड़ी को घूमने दो पहले, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मेरे बाजू में है। तो गाइस धीरे धीरे गाड़ी अपनी तरफ चल रही है, और आपको मैं दिखाया था पहाड़ी पहाड़ जो कि हमारे लेफ्ट साइड में आ चुका है, हम पहाड़ को पार कर चुके हैं,
यार देख सकते हो पहाड़, जो कि बोला था कि उस पहाड़ी को उस पार जाएंगे, बराबर आ नहीं रहा यार। यार इस पार आ गए और उस पहाड़ी को छोड़ के हम जा रहे हैं आगे। यार ये रेलवे ट्रैक, यार हमारी पहाड़ी वो पीछे गई और हम आगे आ गए। तो गाइस यार सामने है होटल और यार सुस्ती आ रही है, गला सूख रहा है। यार चाय पीते हैं यहीं पे और चाय पी के फिर उसके बाद निकलेंगे। तो फाइनली यार ये रहा होटल और देते हैं इंडिकेटर और चलते हैं, फिर चाय पीते हैं। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी हो गई साइड और चलो फिर चाय पी के उसके बाद आते हैं, फिर निकलेंगे आगे यार, सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये रहा होटल। यार अपनी गाड़ी पूरी बराबर लग चुकी है, गाड़ी करते हैं न्यूट्रल और चाबी करते हैं बंद। यार सीट बेल्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं, चाय पीते हैं और चाय पी के फिर निकलेंगे। तो यार कुछ लेना है नहीं, सब लॉक है, तो चलो फिर लिया जाए। यार क्या है ना, ऐसे नहाने में बाल उड़ने लगते हैं, इसके लिए बांध लिया था। अब उतना उड़ेगा नहीं और उड़ेगा नहीं। चलो फिर निकलते हैं चाय पीने और चलते हैं चाय पी के फिर आते हैं। यार ये लोड देखो, ओवर साइज लोड। तो गाइस यार एक बार ये लोड चेक करो कितना बड़ा है यार। ये ना जो पवन चक्की बताया था, पवन चक्की का उधर खंभा दिखाया था, पर ये उसका मोटर है। इसमें ये खाने दिख रहे हैं ना, ये वाले इसमें लगते हैं और फिर यार तीनों लग के फिर ये पूरा पंखा सा बन जाता है। तो उसके बाद निकलते हैं लोग। जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये इसमें तीन पत्तियां लगती हैं और उसके बाद मोटर लगता है, मोटर नहीं है यार। ये तीन ट्रकों के हैं यहाँ पे दिख रहा है अभी, तो उस साइड में ट्रक हैं जिनमें कि ये दिख रहा है। तो यार ये जा रहे हैं अपना लोड लेके, हम भी चलते हैं चाय पीते हैं और चाय पी के फिर निकलेंगे। तो फाइनली ये रहा होटल, होटल डेंटल, डेंटल होटल जो भी बोलो। तो चलो फिर चाय पी के उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस गाइस यार अभी फाइनली हम सिंगल रोड पे हैं, जैसे कि यार देख सकते हो रोड इतना ख़राब है ना यार, पूछो मत। यार अभी हम इस टाइम महाराष्ट्र शिरडी से राइट ले चुके हैं बाईपास, तो बस निकल रहे हैं धीरे धीरे। और सिंगल रोड पे थोड़ा यार काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो वही दिक्कत आ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस यार अब ये महाराष्ट्र का सिंगल रोड देखो, ये सिंगल रोड है इसलिए ना कि अंदर सिटी है तो सिटी में घुसने देंगे नहीं, क्योंकि यार जाम लग जाएगा, इसके लिए ये बाईपास निकाल दिए हैं। तो बाईपास बड़े आराम से हम लोग निकल जाते हैं बिना खिचपिच, बिना झंझट के। और देख सकते हो एकदम आराम से जा रहे हैं, बस कहीं कहीं पर ना रोड जो है बहुत ख़राब है, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो यार इतना तो मैनेज एंड एडजस्ट करना पड़ेगा। गाइस ये रहा कुछ महाराष्ट्र का हाल। वैसे शाम का टाइम है इस टाइम और सुबह का लगभग इसी टाइम और शाम को भी,
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी हवा रहती है और मीठा घाम होता है इसके लिए। तो पहली यार देख सकते हो मीठा घाम। यार मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में क्योंकि ठंडा मौसम है और हवा भी ठंडा आ रही है। यार अभी सिंगल और खड्डे रोड का सामना करना पड़ रहा है तो यार लेता हूँ ब्रेक। अहमद नगर अभी यहाँ से यार 50 किलोमीटर बाकी है। पहले यार होटल देख गया तो गाड़ी लगा दिया क्योंकि कल भी लगभग खाली कल होगी आज तो खाली होगी नहीं। इससे बढ़िया यार सो लिया जाए नींद भी पूरी हो जाएगी। और अभी लगभग पूना यहाँ से 170 किलोमीटर बाकी है तो सो भी लेंगे और आराम से कल फेर मारेंगे पहुँच भी जाएँगे गाड़ी भी खाली हो जाएगी। गाइस फाइनली ये रहा होटल जो कि देख सकते हो। अभी देखो होटल भरा नहीं है ना, अभी कुछ टाइम में ये सारी गाड़ियाँ लग जाएंगी और पूरा भर जाएगा होटल। अभी लगभग आगे की पार्किंग फुल हो गई है, ये जितना मैदान दिख रहा है ये सारी गाड़ियाँ भरेंगी। जैसे कि वो सामने देख सकते हो उस साइड में होटल है उसमें पूरी गाड़ियाँ भर चुकी हैं। अब लेट लगाए हैं तो सोते हैं और सोने के बाद फिर देखते हैं कि कब तक सुबह नींद खुलेगी और कब निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हमारी ये रही गाड़ी और ये एक दूसरी गाड़ी, ये अपनी गाड़ी। यार लगा दिया आराम से और बस सोना है और खाना ना खाएं कि आराम से सोएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग यार यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी सी वीडियो में। तब तक यार बाय बाय एंड जय हिंद।